So hi guys, good morning to everyone, and today we have two more friends with us, like Amit bhai. आजा भाई, ये भाई आए हैं हमारे दोस्त यहाँ पे घूमने के लिए, और एक और भाई, इन्हीं के भाई हैं सगे. और भाई आज हम जा रहे हैं एक राइड पे, ऐसे ही नगर कैसल वगैरह जा रहे हैं, और देखते हैं आगे अगर बिजली महादेव का रूट खुला हुआ तो वहाँ भी चले जाएंगे. तो चलते हैं भाई, आज थोड़ा मोटो राइड करते हैं और आपको दिखाते हैं नगर कैसल. भाई हमारे भाई भी चले हुए हैं, ये तो भाई दिखाते हैं आपको व्यू यहां से. यहां पे जाम लगता हुआ है भाई, मनाली का बस स्टैंड. यहां पे आपको बसेस मिलती है, जितनी भी वोल्वो है, वोल्वो का स्टैंड है बस स्टैंड. यहाँ का व्यू कुछ इस तरह है, और भाई ठंडी ठंडी हवा चली हुई है, मज़ा आ रहा है. और ये भाई बीच में ही, भाई यहाँ से नीचे देखिए आप, लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है थोड़ा सा. भाई आप जो ये स्नो कैप माउंटेन देख रहे हो, ये है सेथन विलेज है इसी साइड, और यहीं से इससे आगे हम था. हम अभी क्लास पहुंच चुके हैं भाई लोग, और यहाँ पे भाई हॉट स्प्रिंग बाथ भी है सामने, और ये देखिए ये वाला पूल है भाई, जो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा. हमने यहाँ से लेफ्ट ले लिया है नगर कैसल के लिए, और नगर रोड यही है. सामने जो गया ये डायरेक्ट कुल्लू के लिए है. ये जो है ये नगर रोड, ये राइट टर्न लिया, और हम जा रहे हैं नगर कैसल. तो भाई लोग हम पहुंच चुके हैं नगर कैसल. तो भाई लोग यहां पे हैं, पहुंच गए हैं भाई. यहां पे पार्किंग लगा दी है, और चलो गाइस वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, एंड नाउ वी आर गोइंग इन. एंड यहाँ पे भाई एंट्री चार्ज है 30 rupees, एंड हमारे पास भाई कैश की दिक्कत है, कैश नहीं है, और अब कुछ करना पड़ेगा जुगाड़. गूगल पे नहीं उठा रहे? कुछ नहीं भाई, मना कर रहा. तो भाई अब देखते हैं, करते हैं कुछ. हमारा यहाँ पे भाई ने साथ दे दिया है, ये टैक्सी ड्राइवर हैं भाई से, और इन्होंने हमें कैश दे दिया, गूगल पे कर दिया. तो भाई देखो कहीं ना कहीं अगर है तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है भाई. चलो तो अब कैश देते हैं अंकल को और करते हैं एंट्री. चलो सो गाइस ये है हमारा नगर कैसल, एंड उसके लेसेस खुल चुके हैं मेरे, एक मिनट. ये पूरा इनका रोड मैप है, कुल्लू से लेके पतलीकुल से मनाली तक, एंड ये पूरा कैसल का इतिहास है. आप इसको फोटो ले सकते हो मैं के भाई फोटो के लिए. ये देखिए और आप ये देख सकते हो भाई कितना पुराना है, ये लोहे में जंग लग गया है, काफी पुराना है, राजाओं के टाइम का ये यहाँ पे रखा हुआ है. गाइज ये है जगती पथ टेम्पल, जो कि अभी क्लोज है, और
ये देखिए भाई यहाँ पे कितना सुंदर व्यू आ रहा है। सो भाई ये है कुछ इस तरह यहाँ का व्यू, और देखिए भाई कितना पुराना है पर कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे। टूरिस्ट टाइम है यहाँ पे कैसल को विजिट करने के लिए, और ये ऊपर रेस्टोरेंट है। और ये देखिए आपको यहाँ से व्यू बताते हैं, ये नीचे एप्पल ऑर्चार्ड है भाई, ये देखिए पूरे। और माउंटेन्स ही माउंटेन्स। आपको बता सो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं नगर कैसल, और आपको बताते हैं यहाँ की थोड़ा सा जो हिस्ट्री है काफ़ी पुरानी है, तो आपको बताते हैं कि कब ये बना था और क्या क्या यहाँ पे है, और क्या मतलब आपको पूरा एक्सप्लेन कर। हमारे साथ एक भाई मिल चुके हैं, भाई जी आपका नाम? मेरा नाम कौल सिंह है। कौल सिंह, तो भाई ये यहाँ पे लोकल हैं यहाँ के, तो ये बताएंगे हमें भाई यहाँ के बारे में थोड़ा सा। ये कैसे हैं बाकी देखेंगे, 600 साल पुराना है। अच्छा 600 साल पुराना है ये। जी 600 साल पुराना है ये। हाँ जी, राजा सिंह ने बनाया था ना। किसने? राजा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का राजा था ना। हाँ जी हाँ जी, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का राजा बनाया था। हाँ जी, तो अंग्रेजों को ये पसंद आया, तो अंग्रेजों ने जो है राजा ने जो अंग्रेजी जो रिवर है जैसे कारतोस है ना, उसके लिए रिवर के लिए गिफ्ट कर दिया था अंग्रेजों को। अच्छा, तो फिर ये स्कूल भी रहा, ये डिस्पेंसरी भी रहा, ये उसके बाद 99 में इसको टूरिज्म में कन्वर्ट किया गया। अच्छा, हिमाचल टूरिज्म के अंडर है अभी, ये अंडर अभी तो गवर्नमेंट के अंडर में है ना, जैसे 99 में कन्वर्ट किया गया ना। अच्छा, सन 1999। हाँ जी हाँ जी, बाकी बिल्कुल वैसे। अच्छा, और बाकी इसमें मतलब बोलते शॉक प्रूफ भी है? इसमें कोई भी सर्विस मीटर नहीं लगे ना विदाउट। अच्छा, ये लकड़ी और स्टोन और वुड्स। ओके, अभी तक वैसे है ना, बाद में जैसे होटल में कन्वर्ट किया तब रेनोवेशन किया जाता है ना इसको। हाँ जी हाँ जी, बाकी बिल्कुल वैसे ही है। ओके, बाकी बिल्कुल वैसे ही है जैसे। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने सुना है मूवी की शूटिंग भी हुई है यहाँ पहले, हीरो की, बैंक बैंक की बहुत सारी शूटिंग हुई है। अच्छा, जब भी मेरी हुई है ट्यूबलाइट की शूटिंग जब सलमान खान। अच्छा, तो ये काफ़ी सुंदर व्यू आता है भाई यहाँ से, और थैंक यू भैया बताने के लिए। तो ठीक है भाई, धन्यवाद। नीचे को भी है रास्ता, और नीचे पता नहीं क्या है भाई, देखते हैं जाके। तो भाई ये, तो भाई आपको एक सरप्राइज बताता हूँ मैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे शूटिंग बताई भाई ने कि कौन कौन सी। ये रहा हमारा, ये है हमारा कैसल, और आपको सरप्राइज बताऊँ जो भाई यहाँ पे शूटिंग हुई थी ट्यूबलाइट की, तो उसमें भाई ये जो भाई है हमारा छोटा भाई, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम निखिल बिष्ट है। निखिल बिष्ट, तो भाई यहाँ पे शूटिंग में आया हुआ है ये वीडियो में, कब की बात है ये? 2016 कोई 5 साल है। तो भाई वीडियो में आया था यहाँ पे शूट में? हाँ भाई, 5 दिन का शूट था हमारा। अच्छा, 5 दिन का शूट था। हाँ भाई। ओके, यहाँ पे हमने शूट किया था, यहाँ पे झूले वगैरह थे उस टाइम। अच्छा, इस ग्राउंड में? हाँ जी। बढ़िया बढ़िया भाई, तो भाई काफ़ी प्यारा व्यू है यहाँ पे, और अच्छा लगा भाई आपसे मिलके, निखिल बिष्ट भाई हमारे। मुझे भी आपसे मिलके अच्छा लगा। ओके ब्रो, ठीक है भाई, धन्यवाद। सो गाइस, जो नगर कैसल को बनाने के लिए जो स्टोन यूज़ हुए हैं वो यहाँ से हुए हैं, ये सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्यास रिवर है नीचे, तो यहाँ से सोचो कैसे लाते थे वो पुराने टाइम में, तब तो कोई गाड़ी नहीं कोई कुछ नहीं।
देरी ना करते हुए यहाँ से लीव करते हैं आपको। थोड़ा बहुत तो बता दिया भाई, ये अब हिमाचल टूरिज्म के अंडर है और वुड्स एंड स्टोन से ये बना हुआ है, पूरा शॉक प्रूफ है पूरा। अगर अर्थ को एक कुछ होता है तो काफ़ी ज़्यादा इसमें कैपेबिलिटी है कि ये सर्वाइव कर जाएगा, जो कि नॉर्मल सीमेंट नहीं कर पाता है। और चलते हैं भाई यहाँ से, अब प्लान बन रहा है हमारा जाना वाटरफॉल के लिए, तो आपको ले चलते हैं जाना वाटरफॉल में। ये शिव मंदिर है और जय भोलेनाथ सबके साथ। और भाई ये है कुछ ऐसा सा कैसल। सो गाइस हमने बाइक शिफ्ट कर ली है, हिमालयन से अब अपनी ही बाइक में आ चुके हैं। और भाई अब अपना प्लान बना है नेक्स्ट जाना वाटरफॉल का, तो चलते हैं भाई यहाँ से जाना वाटरफॉल के लिए। ये है नीचे को हमारा, ये देखिए नगर बिजली महादेव जाना वाटरफॉल, तो यही है हमारा आगे का रूट। एंड टूरिस्ट ही टूरिस्ट, ये क्या है? अच्छा जाना यहाँ से 10 किलोमीटर्स है और चले हैं भाई इस रूट में। काफी सुंदर ये रोड है। और भाई काफी प्यारा व्यू है यहाँ पे। सो भाई हमारी हाइट काफी हो चुकी है इस टाइम, आप देख सकते हो कितने कितना प्यारा व्यू आ रहा है भाई, कितना प्यारा हवा। वॉटरफॉल 1 किलोमीटर पर भाई यहाँ तक पहुँचने के लिए मजा जो आया सफर का, ठंडी भी बहुत है पर भाई मजा भी आ गया बहुत। यह ब्रो लश ब्यूटी ग्रीनरी, और सामने देखो भाई स्नो कैप माउंटेन। पहुंच गया हूँ जाना की, वाओ अल्टीमेट। ये हम पहुंच चुके हैं पर जाना विलेज, और भाई वाह मतलब कि भाई एक नंबर जगह है। सो गाइज हम पहुंच चुके हैं जाना वाटरफॉल, यहां से बस 50 मीटर की दूरी रह चुकी है जाना वाटरफॉल के लिए। और जो वाटरफॉल है वो पूरी जम चुकी है आइस से, पर हम तो ऐसे भाई क्रेजी बंदे हैं हमारे साथ सारे, तो जाने वाले ही हैं सब। तो ये भाई हमें वहां पे मिले तो हम इनको भी उठा के ले गए आगे, वो ट्यूबलाइट वाले, ट्यूबलाइट वाले भाई। और भाई चलो भाई चलते हैं, एक फ्रेंड मिल चुका है हमारा। हेलो बोलो भाई, हेलो बोलो। क्या नाम है आपका? सागर ठाकुर। क्या नाम है? सागर ठाकुर। ओके माय नेम इज सागर ठाकुर बोला। और ये भाई बहुत शरारती है बच्चा, स्कीइंग का प्रोफेशनल है ये। कितने दूर है जल्दी बता। हाँ जी
बीच से हटेंगे बोला। चल चल आ जा वाटरफॉल देखेंगे पहले। आप ये बताइए कि आपका घर कहाँ जैसे है? जाना विलेज। अच्छा तो ये यहाँ का भाई लोग लोकल है, ये खतरनाक ही लड़का लग रहा है मुझे देखो। इसको हम ले जाएंगे आज उठा के। ये देखिए शीशा जम चुका है। खतरनाक है, बिल्कुल खतरनाक आइडिया। मैं कितने का लगता मेरे को बता। आप 18 से ऊपर, मैं आप सभी हो, आप दिखाओ। ये भाई बता रहे 18 से आप होंगे सबसे बड़े इसमें से। ओ भाई ए, भाई भगवान गुरुजी आपके चरण चरण छू ले हमने। हाँ हमारा जाना वाटरफॉल। तो आजकल भाई कुछ ऐसा हो चुका है ये तो गर्मी में। हाँ बरसात में अगर आप जून जुलाई में आ रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा होगा। और ये जो सामने को रोड गया ये गया भाई बिजली महादेव को। किन से बड़ा हूँ मैं? अच्छा अच्छा इनसे बड़े हैं। ओके चल अब कृष की मासी का लड़का हमारे। देखी मूवी कृष? अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ता है ये बता। फोर्थ में। वो यार तू इतने शरारती कैसे, तूने क्या। यहीं पे हम व्लॉग एंड करते हैं। और हमारे आपका नाम अभी क्या था? अभी नहीं। ओके चलो आप जब बोलोगे भाई। हमारे बड़का जी चले हुए हैं। भैया रुको, सर्दियों में कैसा होता है? ये सर्दियों में ऐसा होता है। अच्छा ये मेन वाला पॉइंट है? मेरे को क्या पता, मेरे को ये बड़ा अच्छा बोला भाई ने। गाइस आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। तो तब तक के लिए बाय बाय। और हम भी भाई लंच कर लेते हैं। हिमाचल का ट्रेडिशनल फूड सिड्डू और ये नॉर्मल राजमा चावल और कड़ी और मक्के की रोटी और घी और शक्कर। और ये है लिंगड़ का अचार, लोकल्स जानते हैं इसे। एंड भाई जाना वाटरफॉल का पानी है ये सामने।